गौड़ी निंदो निंदो मोको लोग निंदो लोग निंदा कर लागे लै कहते कबीर का भी कृष्ण भगवान भी जवाब देता है ये कहना मैं कृष्ण का भी उपासक नहीं है तो निंदा लगे करना जब निंदा कर लगे कबीर साहब जी उस वे शब्द उचार दे दूसरी ये गल है कि कबीर साहब की बड़ी उस्तति होगी लोगों के जो बड़ी भारी उस्तति हुई कबीर साहब ये लोग तो टिकन नहीं होंगे हर वक्त मेरे उदारे रेंदे है सिमन भजन का समा नहीं मेनू दिंदे उस वे कबीर साहब जी ने की किया एक पानी की भर के बोतल हाथ च पकड़ ली ते उस वे देसवा की बांह पकड़ के बाजार जिम्मे शराबी हिंदे ए तुरन लग गए लो कहते भगत दे निकलिया उगड़े आया पा जो लोग कह लगे फिर उस वे कबीर साहब जी ने प्रसन्न हो के ये शब्द उच्चारण किया गौड़ी निंदो निंदो मोको लोग निंदो कहते हे भाई निंदने योग हाम है हे लोगो मेनू निंदने योग जान के निंदा करो तुम निंदने योग जो माना मैं मन करके बाणी करके शरीर करके निंदने योग हां इस करके हे लोगो मेरी जरूर निंदा करो निंदा जन कहो खरी प्यारी भगता जन निंदा खरी अत्यंत प्यारी लगती है निंदा बाप निंदा महतारी असी तो कहते बापू समझते आप निंदा जरा करे निंदा नू बापू समझने निंदा नू बाप माओ दी नहीं समझने निंदा अत्यंत सानू प्यारी लगती है अनहोया भार जरा कोई सिर देते रखे रहाओ निंदा होए ता बैकुंठ जाई होई गल जेड़ी छपनी है कहते ना निंदा हुंदा सच्ची गल दा ना निंदा नहीं है सो अनहोईया गल्लां कहनियां होने गुण ते कहने औगुण आप दी प्रभुता वास्ते किसी का खंडन करना होया जे कहते इस प्रकार की निंदा होवे तब कुंठ में चले जाईदा है नाम पदार्थ मन बसाई है निंदक लोग जो निंदा करते सगो सानू वेल करते है नाम रूपी पदार्थ नू मन च बसा लईदा है हृदय शुद्ध जो निंदा हो नाल कहिंदे हिरदा आदमी का शुद्ध होवे ना होवे आप मां शराब खाण वाला होवे ते कहे जी साडी लोग संतां दी निंदा करते है सरल पक्षी होवे ते कहे असी संत है सो इह जिहा जेड़ा भेड़े आचार वाला वो निंदने योग ही हुंदा है हां जी हृदय शुद्ध जो निंदा हो दिल होवे शुद्ध वकारी ना होवे ऐबी ना होवे ते फेर जे निंदा होवे उस पुरख दी हृदय शुद्ध जो निंदा हो शुद्ध हृदय वाला होवे जेड़ा ओदी जे निंदा होवे हमरे कपड़े निंदक तो साडे कपड़े धोंदा ना निंदक कहंदे इस प्रकार सफाई करदा है साडी साथों कोई जो गलती शरीर करके हुई है वो साडे शरीर रूपी मन रूपी वस्त्रां नूं धो रहा है साफ कर रहा है निंदा करे सो हमरा नी जेड़ा निंदा करे साडा तां मित्र प्यारा समझदे उस नूं निंदक माहे हमारा साडा चित्त जुड़िया ना भी निंदा कोई करे प्रेमी तां वेले होके बैठे भजन करिए निंदक सो जो निंदा हो रहा असीं तां उहनूं निंदक समझदे जेड़ा निंदा करदिआं नूं होड़े हटावे इस दे वास्ते कि निंदा करनी हटानी नहीं चाहिए गुरु साहब ने हुक्म किया है निंदा भरी किसे के ना ही मन मुग्ध करेन मुंह काले ते निंदका नरके घोर पवेन धरत समान न चली बिच विष्टा पए पचन ये वाक कहे है रोकना नहीं चाहिए निंदक नूं इहदी वास्ते पंडित तारा सिंह जी ने इत्थे उदाहरण दिता है कहिंदे कोई भाई भंगी होवे ओह किसे दी टट्टी साफ करदा होवे जे ओनू टट्टी साफ करदे नूं विचाले हटा दिए ओह बेसफाई जिहड़ी मकान दी रखेगा उस पाप दा जिम्मेवार ओह होवेगा जिहड़ा हटावेगा इह पंडित तारस ने इत्थे उदाहरण दित्ता है सो साहब संगत जी हजूर फरमाउंदे हन निंदक सो जो निंदा हो रहा निंदक ओह जिहड़ा निंदा दा रूप ही हो रहे हर वक्त निंदा ही करदा रहे हमारा जीवन निंदक लोड़ कबीर साहब जी कहिंदे साडा जीवन भाई निंदक लोड़दा है कि साडा जिउंदे रहन भगती करदे रहन निंदा हम प्रेम प्यार निंदा दा साडी जिहड़ी है प्रेमन है साडा इस विच प्यार है अते प्यार करन वाला पुरख साडी निंदा करदा है निंदा बाणी करके साडा प्रेम है मन करके निंदा च प्यार है निंदा हमरा करे उधार जिहड़ी निंदा है ना लोग करदे ओही साडा उधार करेगी
ਧਿਆਨ ਕਬੀਰ ਕੋ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੋਕ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਕ ਲਿਖਣਾ ਹੋਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਨਿੰਦਕ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦਾ ਮੈਂ, ਨਿੰਦਕ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਉਤਰ ਗਏ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਆਜ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਲਖਣ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਨਿਰਭਉ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤਰਨ, ਜਹਾਜ਼ ਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਰੂਪ ਹੈ ਹੇ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਰਹਾਓ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੇ ਸਹਿਬ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ। ਅਬ ਤੁਮ ਹੋ ਹਮ ਨਾਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੀ ਰਹੇ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੀ ਹਾਂ। ਅਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨੀ ਰਹੇ, ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਹੋ। ਅਬ ਹਮ ਤੋਂ ਏਕ ਭਏ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ, ਜੀਵ ਇਸ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਕਤਾ ਦੇਖਤ ਮਨ ਪਤੀਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਤੀਜਦਾ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਹਾਂ। ਜਬ ਬੁੱਧ ਹੋਤੀ ਤਬ ਬਲ ਕੈਸਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੀ ਅਨਾਤਮਾਕਾਰ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਬਲ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਇੰਦਰੀ ਸਬਰ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਸਹਿਤ ਬਲ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲੀ ਬਲ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਉਹ ਨਿਰਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਰਥ ਵਾਲਾ ਬਲ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਬਲ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾ ਖਟਾਈ। ਆਪ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਦਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਟਾਈ ਮਿਲਦਾ ਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਥਾਂ ਨੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਬਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਨੀ ਖਟਾਈ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਨੀ ਇਹ ਢੁਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੀ ਸਾਡੇ ਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੁਰਾ ਲਈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਇਹ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਮੁਕਤੀ ਤਾਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਤਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਪਰਾਏ ਦੂਸ਼ਣ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਰਾਗ ਰੂਪੀ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧ ਸਾਡੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧ ਮੁਕਤੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਬੁੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੈਣੀ ਹਟ ਕੇ। ਗੌੜੀ ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਯੋਗ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ। ਕਿਸੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ। ਹੇ ਭਾਈ, ਛੇ ਨੇਮ ਛੇ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੂਲਾਧਾਰ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੋ ਅਸ਼ਟਾਨ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮਣੀਪੂਰਵ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਅਨਾਹਤ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਬਸੁੱਧ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀਵ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਆਗਿਆ ਚੱਕਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਹੜੀ ਬਾਂਧੀ, ਇਹ ਛੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨੇਮ ਨਾਮ ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਨ ਕੇ ਰਸ ਨੇਮ ਦਰਾਰਨ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ
चक्रां दा वाचक है। ये छे चक्रां दे बना करके कोहड़ी दे बनना कीती है। बस अनूप गीत पाई दसवें द्वार दा चेतन दी लाड चौंख दीवा ज्योत द्वार पलू अंत मूल विचकार जिवें चौंखिया दीवा हुंदा है। ज्योत महाराज दा प्रकाश है दसवें द्वार ते ओ ज्योत जेड़ी परमेश्वर दी है ध्यान नाल जोगी वेखदे है। ए उपमा तो रहत चेतन दी लाट रूपी वस्तु उपमा तो रहत विच पाई है। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे इहदे कहिंदे कुंजी कुल्फ कुल कुंजी जेड़ियां नाड़ियां दे अंदर है छे चक्कर हनगे एक कुल्फ जिंदरे लगे हुए है ते कुंजी प्राणा जाम है ए करके रखी है जिन्ना ने परमेश्वर ने करते बार ना लाई यो करदा पुरख ने दे रचन देर नी लाई चाटी ए दे बनाती है। इसे प्रकार खट नेम कर कोठड़ी बांधी खट नेम पंज तत् छेवां चेतन या पंज सूखम तत् ते छेवां मन ए निजमा करके महाराज जी ने देर रूपी कोहड़ी बन्नी बनाई है। बस अनूप बीच पाई चेतन सत्ता रूपी वस्तु उपमा तो रह पाना कीती है विच कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे अज्ञान रूपी जिंदरा लगा है देह अभ्यास रूपी कुंडा है ते आसां दे सारे तख्ते है ब्रह्म विद्या रूपी कुंजी है प्राणा नु राखे पहरेदार बना के वजीर वांगू रखिया है। करते बार ना लाई ए करता पुरख परमेश्वर देर नी लाई ए संसार दे श्रीदा दे रचन दी चाटी बनाते अब मन जागत रहो रे भाई ए मन नु शिक्षा देइए समय न कर अखां नु मिचा कर वही पोथी दे सामने दर्शन कर लो साधु सिया अखां दिखनियां चंगियां नी पोथी दे दर्शन कर दे अब मन जागत रहो रे भाई मेरे मना जागत रहो रे भाई जागदा रहो ज्ञान अवस्था जे भरावा गाफल हुए कै जन्म गवायो अगे तू गाफल परमादी होके आपदा जन्म सारा ही गवा लिया है। चोर मुसे घर जाए तेरे अंदर घर रूपी जगह विच चोर काम करो लो मोहंकार तेरे सब गुणा रूपी धन मुसा लुटी जा रहे है। चोर मुसा घर जाई चोर इसे प्रकार सब स्पर्श रूप रस गंध तेरी घर की जगह विचों दैवी गुणा नु लुटी जांदे हन। रहाओ पंच पहरुआ धर्म है रहते ज्ञान हुंदे तेरे पहरेदारां नु अखां नासा आदिक ए पहरेदार तेरे दर इंद्रिया दे विच रहिंदे हन गोलकां विच जिनका नहीं पतियारा इन्हां दे ते पतीजना ना कर इन्हां दा प्रत्यावा ना कर इन्हां दे जमैश ना करके मेरे राखे होणगे चेत सुचेत इन्हां दा सुभाव है जेड़े चोर ठग आउंदे आ उन्हां दे नाल ही लग जांदे आ तां इस तरह जो रूप दा ख्याल हुंदा अखां नाल ही लग जांदी है जदों निंदिया सुणन चित करदा कन्न नाल ही लग जांदे आ जो सुगंधी दुगंधी नु चाहुंदा नासा मिल जांदी है इवें जबान स्वाद विच मिल जांदी है चौड़ी स्पर्श वास्ते मिल जांदी है। ए पहरेदार नु तेरे इन्हां दा प्रत्यावा किसे प्रकार दा इन्हां ते भरोसा ना कर चेत सुचेत चित होए रहो सुचेत सावधान हो के चित चेतन नु चेते कर चेतन दा रूप ही हो रहा इस प्रकार है चेतन करदा होया परमेश्वर नु चित चेत चेत चित पयो चिंता करदा करदा जिन जे चित निज जे मन निज तज बाण जिन आप दी बाण छड़ दिती है ओ चेतन चेते करदा करदा चेतन दा रूप ही हो जांदा है। इसे प्रकार चेत सुचेत चित हो रहो चित दे विच चेत करके सुचेत सावधान ज्ञानवान हो रहो चेतन नूं तौ लै प्रकाश उजारा ताई ओ प्रकाश रूप जो ब्रह्म है ओदा उजारा प्रकाश ज्ञान तू लै लवेगा फिर उसके उजारा जो प्रकाश रूप ब्रह्म है ओदे प्रकाश ज्ञान नु परोह ज्ञान नु प्राप्त कर लेगा। नौ घर देख जो कामन भूली ए नवा गोलका रूपी घरां दे देखण विच जेड़ी कामन जीव रूपी स्त्री ए भुल गई है नवा गोलकां दे विषयां दे देखण च लग गई है। बस अनूप ना पाई उन्हां रूपां तो जेड़ी आत्म आनंद वस्तु है
उस नहीं प्राप्त कर सकी। ओ कहत कबीर नव घर मूसे। श्री कबीर साहब जी कहते नवे गोलकां रूपी घर के दिशा जेड़े लगे है ओ तो लुटे गए शुभ गुण उन्होंने दसवें तत् समाई जिन्हों दसवें द्वार विच बिती टिकाई है ओ चेतन की लाड के तत् सिद्धांत विच समा जाते हैं। चौमुख दीवा जोत द्वार पलू अंत मूल विचकार पत्रे जेड़े पासे करके विचकार मूल डोडी के दसवें द्वार विच रोशनी वेखते हैं सूरज वर्गी। इस प्रकार दसवें द्वार विच तत् सिद्धांत मिले रहिंदे हैं। कबीर साहब जी कहिंदे नवां गोलकां दे विशेयां जेड़े लगे हैं ओ तां लुटे ही गए। दसवां कौन है चेतन नवां गोलकां दा साखी रूप ਉਸ ਦੇ ਤੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਾਈ ਮੋਹੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਆਨਾ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਮੋਹੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਆਨਾ ਨਾ। ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮੋਹੇ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਮੈਂ ਅਵਰ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਆਨਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਖੇਬ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਵਰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਨਾ ਹਿਰਦੇ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਵ ਸਨਕਾਦ ਜਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਸ ਵਸੈ ਮੂਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆਨਾ ਆ ਕਰਕੇ ਵਸਦੇ ਆ ਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਹੇ ਪੁਰਖੋ। ਰਹਾਉ ਹਿਰਦੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗਮਤ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਗਮਕਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੋਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਬਿੰਦ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਆਪ ਹਨ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਮਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦੇ 'ਚ। ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ 'ਚ ਵੀ ਉਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਆ ਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਰੋਗ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਸੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀ ਕਰਤਾ ਭੁਗਤਾ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮੰਕਾ ਜਦੋਂ ਬੰਧਨ ਸੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਦੇ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਾਣ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਦੂਸਰ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਆਨਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨ ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੇ ਪੁਰਖੋ ਨਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰਕੇ। ਚੰਦਨ ਬਾਸ ਭਏ ਮਨ ਬਾਸਨ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਨਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਬਣ ਚ ਚੰਨਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਰਸ਼ੀ ਚੰਨਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਬਾਵਨ ਚੰਦਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਿਆਗ ਘਟਿਓ ਅਭਿਮਾਨਾ ਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਿਓ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਨ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਜਨ ਗਾਏ ਮਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਤੀ ਆਦਕਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐ ਉਹ ਦਿਲ ਚੋਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਹਿਜੇ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਨ ਗਾਏ ਤੇ ਆਏ ਜਸ ਠਾਕੁਰ। ਹੇ ਭਾਈ ਜੋ ਪੁਰਖ ਗਾਉਣਗੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਿਆਉਣਗੇ ਜਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨੂੰ ਗਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਥਾਨਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ
सहायता रूप होके सिखाद प्रगट हो गया है ना निश्चय करके। ए बड़ भाग बसियो मन जाके, बहुत वड्डे भाग उत्तम भाग हैं, वड्याई दी इच्छा भज गई है जिन्हां दे मन च परमेश्वर आप वस गया है। कर्म प्रधान मथाना ना, उन्हां दे लोक परलोक विच जेड़े कर्म है वो प्रधान कर्म हन गे, निष्काम कर्म भी प्रधान, मथाना ने मथे दे सिरोमणी कर्म हन गे। इस लोक च भी मथे दे सिरोमणी कर्म है, परलोक च भी वो विकारां जितने करके प्रधान हन गे ना निश्चय करके। काट सकत शिव सहज प्रगासियो, उन्हां दे अंदरों शिव काट सकत शिव, शिव जी ते शक्ति की उपासना कट दिती है उन्हां ने, वो ना शिव जी की उपासना करते ना शक्ति पार्वती की उपासना करते है। काट सकत शिव, शक्ति प्रकृति ते शिव पुरख, पुरख प्रकृति का भी सम्मान छड़ दिता है उन्होंने। शक्त तमोगुण ते शिव सतोगुण, ये रजोगुण विचों समझना, ये राशि तामसी सादकी सुभाव उन्होंने कट दिते अंदरों। सहज परगासियो, सहज ज्ञान का प्रकाश हो गया है स्वरूप दे दा। एक है एक समाना ना, इको एक स्वरूप च समा गया ना निश्चय करके, हो इको स्वरूप है जीव अंदर, इको ही ईश्वर अंदर है, उहदे च समाया होया चेतन भाग सतचेत आनंद रूप जान के उस विच समा गए हैं निश्चय करके। वह कबीर गुर भेट महा सुख, साहिब कबीर जी कहने गुरु साहब दे नाल मिलने करके सहजे सुख स्वरूप की प्राप्ति हुई है उन्होंने। भ्रम तो रहे मन माना ना, अगे भरम दे रहिंदे सी मन नहीं सी मनिया, हुण कहिंदे भरमण वल्लों भी रह गए, मन भी मन गया है ना निश्चय करके। उस वाहिगुरु दे च बड़ा भारी सुख प्राप्त होया, भरम नूं भी रह गया जूना दा, मन भी मन गया निश्चय करके। वो सारे अंदर विच आना आया होया जो परमेश्वर है। अगे साहब सिंह जी भाव नखी तुरेगी, 74 शब्द होए है, ये सारे संपूर्ण होए हैं। काट सकत शिव सहज प्रगासियो, एक एक समाना ना, कह कबीर गुर भेट महा सुख, प्रभत रहे मन माना ना। वाहिगुरु जी का खालसा। राज गौड़ी पीर जी बावन अखरी पीर जीओ की, सुख ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद, बावन अक्षर लोक सतगुरु जी साजी है जी, गुरु खालसा साहब सिंह जी है, सहज कबीर जी कंसी के अंदर विराजमान हो के बेअंत जीवन के टाइम करम के पर उपदेश बख दो, सबना का हित कई उपदेश सुन सुन के लोग निहाल होंगे, कई जीवन मुक्ति में प्राप्त हो जाते, कई प्रेम लीन हो जाते, कई दराज आ जाते। इस प्रकार कबीर साहब की संगत करके बड़िया जीवन का आधार होया है। आज जी के पास इस वक्त एक पंज विद्वान जो बालमखी जी विचार करने वाला थी वो आया, दूसरा एक आदमी आया, ये दोनों इलमदार सन विद्वान सन, आके कबीर साहब के प्रश्न पास किए। यह कबीर जी तुम ये दसो, तुम 52 अक्षरों का विचार भी जानते हो कि नहीं? दूसरे ने काजी ने कहा कि तुम फारसी इलम की बात भी कोई जानते हो कि नहीं, अल्लाह नहीं जानते हो कि नहीं? पर सुन करके कबीर साहब जी दोहां दे प्रसाद उत्तर दिंदे हन। ये बाग नखरी कारण करके राज गौड़ी पीर जी बावन अखरी पीर जीओ की, गौड़ी राजनी है, पीर भी जाति है, बावन अखरी 52 अखर वाला जिस उपदेश हो बावन अखरी है। संस्कृत के जो है अखर है वो 34 अखरी हैं, शुद्ध जिन्हें अड़ाड़ा नहीं है, अड़ाड़ा गुरमुखी विच है, ये अड़ाड़ा नहीं धड्डे नाल कम लेंदे जां धड्डे नूं नुक्ता ला के कम लेंदे हैं। तो इस प्रकार साहब संगत जी 34 अखर है पूरे, 34 अखर माही
बाकी जेडे अखर हैं रलवे अखर हैं इतने तीन साल जी इन्हों 43 अखर का विचार करके दसते हुए फरमाएंगे जिन्हों से सा हा आदिक अखर आने सही सदर के अखर आने इस तरीके लिखाई में 44 अखर आते हैं उस अनुसार इस कबीर साहब जी ने जिमें दुष्टी 44 अखर आते हैं 52 अखर दूसरे मिश्रित अखर ला के लूवी आदत बनाए है उन्होंने छड़ के सह कोई जो शुद्ध अखर हैं संस्कृत के उन्होंने द्वारा इस उपदेश बखेंगे ना 52 अखरी है 52 अखर वाली बाणी जो पहले पंजवें पातशाह उच्चारण की है इतने साहब कबीर जी और पौड़िया श्लोक उचारे है इतने कले ही साहब संगे जी उच्चारण कर रहे हैं चार चार टुक दिया पौड़िया या दो दो टुक दिया पौड़िया हो 52 अखरी 52 अखरी ए ना है जिवें सीर की तीह अखर वाली उर्दू भी होंगी है जवान इस प्रकार ना 52 अखरी है लिखण तो जो आंदी है अखर पूरे 52 नहीं हैं इहदे विच 43-44 अखर हैं सारे जो इको रैत रूप परमेश्वर ओंकार सारिआं दा प्रकाश सतरी काल वाद रूप नाम प्रसिद्ध करता सारे जग नूं बचण वाला पुरख पूरन रूप लखण ते 84 लखण कह के गुर प्रसाद गुरां दी कृपा नाल मिलदा है उच्चारण कर दिन खोरसा मंत्र उच्चारण करके 52 अखरी दे आदि विच 52 अक्षर लोक त्रै साहिब कबीर जी कहिंदे ने हे भाई 52 अखर जो संस्कृत दे हन सब कछ इन्हीं मां तीन लोक हन जिन्ने सारे 52 अखर दी जिन्नी बोलचाल है 52 अखरां विच है ते लोकां तिन्नां दे अंदर सारी दुनिया आ गई 52 अखरां च सारियां विद्या आ गईयां सब कछ इन्हीं मां दे विच सब कसम कीता होया है त्रै लोकां दे अंदर रूप आ गए सारे 52 अखरां करके नाम सारे आ गए नाम सारे नाम ते रूप ही सारा जगत है साहब कबीर जी कहते 52 जो अखर है उन्होंने अंदर तिना लोगों के रूप अंदर वाच वाचक भाव सृष्टि है वाचक अखर है वर्ण 52 वाच रूप सृष्टि है वाच नाम है रूप का आकार वाचक नाम है रूप के कथन करने वाले जमाने वाले वो अखर हैं क्यों वाच वाचक भाव सृष्टि के कहता कहते 52 अखर तो तिने लोक ते रूप इन्होंने सब कुछ आ गया है गिनती अखर फिर जाहेंगे तिना लोग परमेश्वर भी है परमेश्वरी विच आ गया ये लोग ये संसार की चीज है कहते हैं ये अखर फिर जाहेंगे कई जेडे अखर मने है खरन तो रह के ना मने पर जेडे अखर है दुनिया के 52 सारे खुल जाएंगे नाश हो जाएंगे अक्षर कायम नहीं रहने दुनिया में उचारने वाले मान आज कौन अक्षर मानता जी परमेश्वर भी तिना लोगों की आ गया कोई इस दुनिया के नाश हो जाएगा ना थोड़ा मत है अक्षर अक्षर रूप परमेश्वर है और इन अखरों में तिना लोगों में खरन वाला नहीं वो नाश तो रहत है अखर रूप है वो खरन तो रहत है वो अविनाशी है ये नाशवंत है ये जिन्ना कार्य बाजी गर्दी जी बाजी है ये नाश हो जानी बाजी पर बाजी का नहीं नाश होंगे जिन्हें संसार की बाजी पाई है वो अखर रूप है वो ये नहीं आता जम्मन मरण के ये स्थिति जमन मरने की लिखन के निशन आई है इस करके इन्होंने नहीं है 52 अखर सारे नाम आ गए इन्होंने लोगों सारे सृष्टि आ गई सब कुछ इन्होंने प्रकृतिक जिन्ना पसारा है माया का नगर वो सब कुछ ये है जिन्हें अखर मनी देखे सत मनी देखे लोगों नावों ये सारे फिर जाएंगे नाश हो जाएंगे
ਉਹ ਖਰਮ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਨਾਸੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਕਹੇ ਅੱਖਰ ਆਵਾ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਖਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਨਗੇ? ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਕਹੇ ਅੱਖਰ ਆਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਅਬੋਲ ਕਹੇ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਬੋਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਸਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਆਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਅਬੋਲ ਕਹੇ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਬੋਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਨਾ ਰਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਬੋਲਚਾਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਆਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਕੌਣ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਬੋਲਚਾਲ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਖੋਪਤ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੇ ਅਬੋਲ ਕਹੇ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ, ਅਗਲੀ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੇ ਅਬੋਲ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਬੋਲ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਸਮ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਮਨ ਵਿਦਿਆ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਚ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹ, ਜਿਹੇ ਅਬੋਲ ਜਹਾਂ ਬੋਲ, ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਕਹੇ ਅੱਖਰ ਆਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਚਾਲ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਸ ਤਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਅਬੋਲ ਕਹੇ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਅਭਾਵ ਹੈ, ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਆਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਦੁਆਇਤ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਜਿੱਥੇ ਅਵੈਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਹੇ ਕੋਈ ਕੀ? ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਬੋਲ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਆਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਬੋਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਵਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਬੋਲ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇ? ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਆਵਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰਾਕਾਰ ਜੀਵਨ ਬੋਲਚਾਲ ਹੈ ਉਸ ਤੱਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਤਮਾਕਾਰ ਵਿਰਤੀ ਅਬੋਲ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਦੀ ਬਾਬਤ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁਆਇਤ ਤੇ ਅਦੁਆਇਤ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ, ਸੁਖੋਪਤ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਆਇਤ ਤੇ ਅਦੁਆਇਤ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਸਾਵਕਲਪ ਸਮਾਧੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਥਾਂ ਅੱਖਰ ਨਾ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਧ ਹੈ ਸੋਈ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾਗਰਤ। ਅਬੋਲ ਅਵਸਥਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੁਖੋਪਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਧ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ? ਸੁਪਨ। ਇਹ ਜਾਗਰ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤ ਵਿੱਚ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਆਪ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਮਧ ਹੈ ਸੋਈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ, ਅਬੋਲ ਨਿਰਗੁਣ ਅਵਸਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ, ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਵ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਗੁਣ ਈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਸੋਈ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲ ਅਬੋਲ ਬੋਲ ਦਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਅਬੋਲ ਦਾ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਹੈ ਸੋਈ, ਮੱਧ ਚੇਤਨ ਭਾਗ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਸ ਉਹ ਹੈ ਤਸ ਲਖ ਨਾ ਕੋਈ, ਜੈਸਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੈ ਹੇ ਪੰਡਿਤ, ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭਾਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
जिस प्रकार समुद्र के अंत लैण वास्ते लून की गली अंत लैण वास्ते जावे तो पानी च मिलके पानी का रूप ही हो जाती है। क्यों जी बिरति है साड़ी ये परमेश्वर का सिरा वेखण वास्ते जाती है पर आपा भाव छड़ के उहदा रूप ही उलट के हो जाती है। इस करके जस है जस ओ है जस ओह है तस लख है ना जैसा उस रूप शुद्ध है ऐसा वखरा बन के नहीं लग सकता उहदा रूप हो के अपने आप नूं जानदा है। अल्लाह लहो तो क्या कहो कबीर साहब जी नूं काजी बोल उठिया कहन लगा साहब कबीर तैं तां अल्लाह नूं जरूर लख लिया सानू प्रतीन्दा कि अल्लाह नूं जान लिया है तो क्या कहो कहिंदे अल्लाह लहो हे काजी जे मैं अल्लाह नूं लख लिया है ता मेरे मैं तेरे ताई की कसम करके दसा कहो ताको उपकार जे मैं निर्गुण स्वरूप आवद कहा तो तेरे ते की उपकार होवेगा तू निर्गुण रूप ना देखा रंग को त्रै गुण ते प्रभिन्न किसे बजाए नानका जी सोगा सो प्रसन्न ओनू वावद ते समझ नहीं पैनी तेनू अते कहो तक ओ उपकार जे कहिए सरगुण स्वरूप तो माया सवल है ये की उपकार तेरे ते होवेगा वास्तु स्वरूप असली कहा ना गया मेरे पासों। इस करके जो कहांगे तो परोपकार वास्ते कुछ कहांगे ना परोपकार वास्ते जिज्ञासुओं के ताई अज्ञान कल्प के आत्म स्वरूप के ताई कसम करना पवेगा। इस प्रकार जे कहा कोई उपकार ही कह सकांगे उहदा रूप रंग नहीं कुछ कहा जा सकदा बाटक बीज मह रव रहे हो सब कबीर जी आप दस्तां दिओ फिर भी कहते जिस प्रकार भाई बीज जरा बोर्ड का होंगे गोल अंदर बीज हजारा ही होंगे बोर्ड का जो बीज हों बहुत छोटा जा हों को बटक बीज मह रव रहे बोर्ड के बीज ची बोर्ड के पत्रे दाड़ी दाने दानिया फल आदिक सारे बोर्ड के बीज विच ही होंगे जे किसी नूं संस्था होवे जदों बीज देईए बोर्ड उहदे चों पत्रे डाणियां दाणे आदिक दाड़ी आदिक सारे प्रगट हो जांदे आ जड़ां आदिक इसे प्रकार बटक बीज में उह बीज दी न्याई जो चेतन है सारिआं दे अंदर पारण रूप उहदे च हिरन गर्भ अंकूर दी न्याई है अते जिहड़ा ईश्वर है उह बीज दी न्याई है अते इसे प्रकार जिहड़ा विराट स्वरूप है दाणिआं दी न्याई विस्तार वाला है अते ब्रह्मा पत्तियां दी न्याई है विष्णु डालियां दी न्याई है फुलां दी न्याई शंकर देव है ब्रह्म ज्ञानी फल लगा होया है। इस प्रकार बटक बीज मह रव रहे बोर्ड बीज के अंदर सारिया चीजा होंदी है इसे प्रकार चेतन के अंदर जो छे भेद पे हैं जीव ते चिदा भास ते ईश्वर ते अखंड चेतन ते चेतन व्यापक चेतन इत्यादिक तिरदा भेद जीव इसका भेद आदिक ये जो छे चिन्ह हैं ये सारे बोध रूप ब्रह्म के विच ही रम रहे हैं सारे भूमा रूप इत्यादिक तिरदा भेद जीव इसका भेद आदिक ये जो छे चिन्ह हैं ये सारे बोध रूप ब्रह्म के विच ही रम रहे हैं सारे भूमा रूप ब्रह्म है ईश्वर बीज भी नहीं आई है उहदे च अज्ञान करके छे कल्पना हो रही हैं सारा विस्तार है वह बोर्ड के बीज ने सूक्ष्म तो सूक्ष्म है सूक्ष्म से सूक्ष्म कर चीने दर्द न दर्द बतायो वह व्यापक हो रहा है। अल्लाह लहंता भेद जी मैं भी अल्लाह नूं लखना चाहना हाँ सुन के कबीर साहब जी कहें हे प्यारे अल्लाह लहंता भेद जे तू अल्लाह लख परमेश्वर जो लखन तो रहता है अल्लाह नाम पवित्र है अरबी विच जे करके तू अल्लाह पवित्र स्वरूप लहंता लखना लखना चाहना है भेद शै हिंदू मुसलमान पुणे का भेद शै नाश कर दे भेद धर्म कर्तव्य धर्म पुन प्रसंग वकार ब्रह्म जग सद धर्म पांचों परम संसार
इन्हां भेदां नूं छेद कटदे जीव इस दा भेद है जिहड़ा जीव जड़दा है इन्हां भेदां नूं छेद कटना कर जिवें बिंब प्रतिबिंब लोहे तुसपा के घटाकाश गुण मार कण कुंड दृष्टान दा पंचो भरम निवार इस प्रकार इन्हां भेदां नूं छै नाश कर कश कश पायो भेद जिन्हां नूं कुछ सरवण कीता है कुछ क मनन कीता है उन्होंने उस परमेश्वर के भेद नूं पाया है कश सरवण करके प्रमाणगत संशय नूं मेट दिता है अते मनन करके परमेयगत संशय नूं मेट दिता है निध्यासन करके विपरजे बुद्धि नूं मेट दिता है उन्होंने तत्वों का शोधन करके सिख्याता के भेद नूं कुछ क पाया है कश देव महान तो परे होके कुछ सूहों दे तो परे होके कुछ कारण दे महान तो परे होके उस परमेश्वर के निर्गुण सरगुण एक ही स्वरूप है इस भेद नूं जाणिया है उल्ट भेद मन भेदो उल्ट भेद जिन्हां दा भेद बद वालों मन उल्ट गया है उल्ट गया है भेद भावना वालों मन जिन्हां दा गुरां दे भेद द्वारा मन संसाराकार वृत्ति वालों उल्ट गया है मन परमेश्वर के प्रेम च बेदियो मिल गया है जिन्हों का पायो अपंग पाई अपंग अपंग है अपंग है अनंग है शेद है भेद है वह भंजन तो रहत जरा परमेश्वर है जो किसी मूहे आदकों भंजा नहीं जाता शस्त्रा न कटिया नहीं जाता नैनु शिदंती शस्त्रा नहीं दईती पापका नज कले अंत आपो नैनु सोस्ती मारता जो भजन तो रहत है विघन तो रहत है ऐसे स्वरूप उन्होंने पा लिया है तुरक तरीकत जानी है भाई तुरक मुसलमान जो तरीकत वराग धार के जी उपासना करनी है ये तरीकत अवस्था है पहली शरीयत है दूजी तरीकत है तीजी मार्फत है चौथी हकीकत है ये अवस्था हनगियां भूमिका हनगियां अठ मजलां चो पहलियां नवाजा हनगियां दूजे रोजे हनगे अते तीजी इस प्रकार है उन्हां दा रोजे आदकां दा रखना ते एक जड़ियां रवायतां पढ़नियां हनगियां नवाज दे अंदर है तीन ते चौथा जड़ा उस ते जुहद दी करनी ते चार ए हनगियां शरीयत तरीकत ते मार्फत ते हकीकत ए अठ भूमिका मुसलमाना ने मनिया हनगियां सो कश कश पायो ते इसे प्रकार तुरक तरीकत जानी तुरक मुसलमान वराग धार के जिहड़ी परमेश्वर की उपासना करनी है परमेश्वर के मिलने वास्ते यत्न करना है ये तरीकत अवस्था है उपासना की वराग करके परमेश्वर की उपासना करनी किताबां जो तरीकत अवस्था दसी हुई है ओदे अनुसार तुरक मुसलमान है उस खुदा नूं जानियां जानदे हन हिंदू वेद पुराण हिंदू कहिंदे चाहे वेदां द्वारा ते पुराणां द्वारा सरगुण रूप धार के कार्य ने कीते है कौन तो कीते है इन्हां द्वारा उस नूं जानना चाहुंदे हन मन समझावन कारने कबीर साहब जी पढ़ना चाहीदा कि नहीं ता साहब कबीर जी कहिंदे हन मन समझावन कारण भाई मन नूं समझाउण वास्ते कछुक पढ़िया ज्ञान कुछक ज्ञान भी जीव दा स्वरूप की है माया दा स्वरूप की है विद्या दा स्वरूप की है ईश्वर दा स्वरूप की है जीव इसकी एकता दा की स्वरूप है इन्ना कुछ ज्ञान जरूर पढ़ना चाहिदा है अते बतंडावाद करना झगड़े करने चर्चा करके आपो जी वाद विवाद करना वो ज्ञान पढ़न की लोड़ नहीं है सो कुछ मन दे समझाउण वास्ते मन नूं सिख्या देण वास्ते स्वरूप की समझ पाउण वास्ते कुछ ज्ञान इस प्रकार पढ़िया पढ़ना चाहिदा है ओंकार आदि मैं जाना कबीर साहब जी ने कहा कबीर नूं किसे ने पुछा जी तुम कबीर अनपढ़ रहना चाहिदा तां कबीर जी ने कहा मैं जानो पढ़वो पलो मैं जानिया कि अनपढ़ ना तो पढ़ना ही चंगा है ते पढ़न दे नालों पढ़वे सो भली होवो पढ़न नालों परमेश्वर जुड़ के वृत्ति नूं कमाई करनी भली है अते एदों परे भगत नूं छाडो राम की भावें निंदो लो परमेश्वर की भगती सिरे की गल है
सो इस प्रकार कबीर साहब जी ने उच्चारण किया है। पशुओं को पढ़ी है ज्ञान, कुछ को ज्ञान मंद समझाने वास्ते पढ़ना चाहिए है। ओंकार आद मैं जाना, कबीर साहब कहें की ज्ञान सिख है। कबीर साहब जी कहते ओंकार जो परमेश्वर मंगल रूप है, ओंकार जो उच्चारण मात्र से रक्षा करने वाला है, ओंकार जो सारिया का प्रकाशक है, सारिया के आदि उसका नाम जपना ओरी उपासना करनी मैं जानी है। लिख आर मेट ताहे ना मानना, जेड़ा दुसिया जाए धरती से तो मेटिया जाए ओनू ओंकार नहीं मैं मानता, जेड़ा लिखण मेटन तो रहता उस ओंकार नू मैं कहना हाँ। ओंकार लखे जाओ कोई, लिखिया मेटे ताहे ना मानना, जेड़ा लिखण वाला कौन है ब्रह्मा जगत नू रचण वाला, ते मेटन वाला कौन है शिव जी, ते विष्णु आदि पालने वाला, ए मैं ना तेना देवत्यां नू नहीं मानता, जिसने ओंकार ने पैदा किते है मैं उस नू मानता है आदि विच, उस परमेश्वर का उपासक हूं ब्रह्मा विष्णु शिव जी आदिका नू नहीं मैं मानता, मैं उस परमेश्वर का उपासक हाँ जिन्हें रचे है। लिखिया मेटा ताहे ना मानना, लिखण वाला जेड़ा ब्रह्मा है अपने मेटन वाला जो शिवजी है इन्होंने भी उपासना नहीं मैं करता, मैं ओंकार की उपासना करना सारे जग के आदि जेगा। लिखिया मेटा ताहे ना मानना, लिखण वाले जेड़े कर्म संचित कर्म हन गे, तो मेटन वाले परारब रूप कर्म हैं, तो संचित कर्म के किरेमान कर्म आदिक इन्हों मैं नहीं मानता, मैं तो परमेश्वर नू मानता सारे कर्म कारण सब एक है दूसर ना ही कोई, उस तो बिना होर किसी ने नहीं मानता। लिखिया मेटा ताहे ना मानना, जो लिखण के अंदर है अंताकरण के अंदर है अवमान है, तो मेटन का अंदर अंताकरण दे के मैं साधन इन्ने किते मेरे पाप सारे मिट गए, ये अंताकरण के अवमान नू मानता नहीं हाँ। तो लिखिया मेटा ताहे ना मानना, इस प्रकार है मैं इन्हों की उपासना तो रह तो के परमेश्वर नू आदि विच जानिया है ओंकार शब्द द्वारा। ओंकार लख जाओ कोई, ओंकार जो कोई लख लगे जान लगे हे भाई, कोई लख मीटना ना हो, कोई पुरख जानवा लख रूप हो जाता है, ओ लख रूप हो करके फिर शक्ति दृष्टि के नाल जेड़ा कसम करीदा है ओ नहीं रहिंदा, हो वो लख रूप हो जाना लखना लखना वृत्ति द्वारा जान के, सोई लख निशाना रूप जो हो जाना मेटना ना हो फिर ओदा मरना नहीं हुंदा, मुक्त हो जाता है ओनू ओंकार लख जेड़ा मेटन च नहीं आउंदा है, मेटन च नहीं आउंदा है, मरदा जमदा नहीं है। पक्का किरण कमल मह पावा, उस रूप की प्राप्ति किने हुंदी है, कबीर साहब जी कहते गुरु साहब की कृपा करके कत्ते अखर द्वारा कहते कत्ता किरण कमल में पावा, जिस वक्त महाराज साहब जी हृदय रूपी कमल जिज्ञासु दे आप दिया ज्ञान रूपी किरणा सतगुरु सूरज जी ने आई पाते हैं, सास विगास संपट नहीं आवा, फिर साहब सिंह जी चंद्रमा दे विगास करके खड़ाव करके डब्बे च नहीं आता, जिन्हें कौल मिट जाता ना जो चंद्रमा चढ़ जे रात पै जे उदो कवल मिट जाता है, इसे प्रकार गुरु साहब रूपी सूरज ने जदों ज्ञान रूपी किरणा जिज्ञासु हृदय कमल पाना कीतिया, सस विगास संपट नहीं आवा, चंद्रमा सतो गुण है, सतो गुण रजो गुण तमो गुण रूप जो त्रिगुण रूप माया है ओदे विगास खड़ाओ करके जो माया दे पदार्थ आके प्राप्त होंगे है, शांत की रिधिया सिद्धियां प्राप्त होंगे है, राजसी पदार्थ प्राप्त होंगे राजो आदिक, तमो गुण च क्रोध दे नाल लोक अधीन हो जाते हैं डरते हुए, ये तीन त्रिगुण रूप जो माया है ओदे विगास करके संपट नहीं आवा, मन मिचदा नहीं उस जिज्ञासु का, जिन्हां दे हृदय रूपी किरण कमल के गुरु साहब ने ज्ञान रूपी किरण पाती है वो ऐसे खड़े रहने हैं चित, अथवा सस विगास संपट नहीं आवा, चंद्रमा भी नहीं आई जो सतगुरु है, जिन्हां दी बुद्धि जड़ी है ये सब संगे जी
कमियां भी न्याय जी ने खड़ा दिखती है। गुरु साहब जी ने बुद्ध आप दिया शांति रूप किरणा पा करके वो संपत नहीं आवा, फिर तमोगुण रूपी अज्ञान सूरज दिया राग दस रूपी किरणा करके कवल जिस प्रकार जेड़े होंगे वो रात नज जाते हैं, इसे प्रकार राग दस रूपी तमोगुण रूप अज्ञान अज्ञान दिया किरणा करके उन्हों की बुद्ध रूपी जेड़ी कवि है वो संपट नहीं आवा मिट्टी च नहीं आती, हर वक्त खिड़ाई रही उन्होंने बुद्ध निर्मल बुद्ध, इस प्रकार गुरां दा विकास प्राप्त हुंदा प्रकाश। अर जे तहां कुसम रस पावा, अर बोलो जेड़े तहां तिस अवस्था च कुसम हिरदे अंदर जिज्ञासु परमेश्वर दे रस आनंद ताई पाउंदे हिरदे कवल प्रगट करके। कह कहा कह का समझावा, वो कहा कहन तो कह है कह के किनू समझाइए, उथे बोल बोल चाल बनदी नहीं कुछ, कह कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कहिए, की कह के समझाना करे, कहन तो कह अवस्था है कहन वाला की कहेगा, कहना बनदा नहीं दूजी दूसरे नू कहना बनदा है। ਖੱਖਾ ਇਹ ਖੂੜ ਮਨ ਆਵਾ, ਖੱਖੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਖੋੜ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਤਰਮੁਖ ਰੂਪੀ ਖੋੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਰੂਪੀ ਖੋੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਿਲੇ ਰੂਪੀ ਖੋੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਲੇ ਰੂਪੀ ਖੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪੀ ਖੋੜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਰੂਪੀ ਖੋੜ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਜੋ ਖੋੜ ਹੈ ਵਿਆਪਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਖੋੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੱਖੇ ਖੋ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖੋੜੇ ਛਾੜ ਨਾ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵਾ, ਜਿਸ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੰਭ ਚੀਰ ਦਈਏ ਤੋਤੇ ਆਦਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੱਡ ਚ ਬੈਠਾ ਆ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖੰਭ ਟੁੱਟੇ ਆ ਜਾਨਵਰ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੰਕਲਪ ਕਲਪ ਰੂਪੀ ਖੰਭ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਤੋਤੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਰੂਪੀ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੱਟ ਦਈਏ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਖੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪੀ ਖੋੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸੋ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਮਹਿ ਜਾਣ ਸਿਮਾ ਕਰ ਰਹਿ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਖਿਮਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੜਕਾ ਨਾ ਕਰੋ ਸਿੰਘਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਰਹਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਗਣਾ ਨੂੰ ਮੇਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਹੋਏ ਲਿਖਿਓ ਅਠੈ ਪਦ ਲਹਿ, ਫੇਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਲਿਖਿਓ ਫੇਰ ਉਹ ਖੈ ਨਾਸ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚ ਪੈ ਕੇ, ਅਖੈ ਪਦਵੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਗਾ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਛਾਣਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਤਾਈ। ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਨਾ ਧਰਈ ਕੰਨ, ਦੂਜੀ ਦਵੈਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਦਿਲ ਚ ਨਾ ਵਸਾਵੇ, ਰਹਿ ਬਿਹੰਗਮ ਕਤਹਿ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਿਹੰਗਮ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਬਿਹੰਗਮ ਜਿਵੇਂ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖੇ, ਬਿਹੰਗਮ ਬੇਹੰਗੋ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਤੇ ਗਮ ਸੋਗ ਤੋਂ, ਸੋਗ ਤੋਂ ਤੇ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਤੇ ਬੇਦੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਹੰਗਮ ਹੈ। ਬਿਹੰਗਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹੰਗਮ ਕਹਿ ਦੀਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਇਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਹੰਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੁਆਇਤ ਤੋਂ ਤੇ ਹੰਗਤਾ ਤੋਂ ਤੇ ਗਮ ਸੋਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇ, ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ ਮਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਨਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ।
गह 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 गगन रहाई। जेड़ा परमेश्वर ग्रहण तो ग्रहण तो अगह है उस परमेश्वर नू गह गगन रहाई। ये मन भी अगह है पकड़िया नहीं जांदा इनू गुरां दे शब्द करके इस मन नू ग्रहण करे। जेड़ा अगह मन है ना पकड़िया जान वाला गुरां दे शब्द द्वारा पकड़ के गह गगन रहाई फिर इन पकड़ के गगन चिरा आकाश जो आकाश भी नहीं आई है ओदे च रहना करे। दसवें द्वार रूपी आकाश भी रवे ते गह गगन रहाई पकड़ करके गगन चिरा आकाश विच इस नू रखा करे। कग्गा काट काट निम सह सोई। जदों मन पकड़िया जांदे ना पकड़िया जान वाला मन पकड़िया जांदा है फिर इनू प्रकाश हुंदा है। कग्गा घट घट निमसै सोई। कग्गे अखर द्वारा कहंदे घटां घटां च निमसै नाम निवास कर रहा है निमसै नाम प्रकाश कर रहा है निमसै स्थित हो रहा है सोई ओ परमेश्वर क्यार खानिया दे घटां घटां विच। घट फूटे घट कव है ना हो महाराज जिहड़ा शरीरां च रहिंदा जो शरीर नाश हो जांदा हू ओ भी नाल ही नाश हो जांदा होना ता साहिब कबीर जी कहंदे हन घट फूटे घट कव है ना हो। जदों भाई ओ शरीर रूपी घड़ा फुट जांदा है उस वेले घट कवे न होई जिवें घड़े दे भजने करके आकाश नहीं घटदा आकाश बनिया रहिंदा है इसे प्रकार शरीर रूपी घड़े दे फुटने करके घट नहीं कदे भी हुंदा एक रस रहिंदा उसे प्रकार। ता घट माहे घट जाओ पावा। ता घट माहे इस परमेश्वर दा घट हिरदे दे विच जदो घट ज्ञान रूपी मार्ग रस्ता पा लिया तू घट छाड अब घट घट धावा फिर पर कुछ भी। ता घट माहे घट जाओ पावा। घट एक रस जो परमेश्वर है सारिया दे माह विच जदों ओहदे ज्ञान रूपी घाट रस्ते नूं पा लिया तू घाट छाड अब घाट घाट धाव तो ओ घाट स्वरूप परमेश्वर दा इक रस जिहड़ा है ओहनूं छड के औखियां घाटियां केहड़ियां काम करो लोभ मोह हंकार दियां पंजां कोसां दियां इधर काहनूं धावा करेगा फिर नहीं दौड़दा औखियां घाटां जमा दियां घाटियां आदकां च वी नहीं दौड़ना पैंदा जूनां च काम करो दी औखियां घाटियां जी कितें धौंदा नहीं दौड़दा नहीं है। नंगा निग्रह स्नेह कर नंगे अखर द्वारा कहंदे ने विशेष करके ग्रह पकड़न दा मन नूं स्नेह प्रेम प्रेम नाल पकड़ना कर मन दे ताई निरवारो संदेह अगर संसे विपरजे आदि हरी बैठन सारा नूं मेट दे नाही देख ना भाजी है जदों मन ना रुकदा वेखे उदों भगौड़ा ना हो जी मन ता रुकदा नहीं चल हुण की करिए फिर खुला ना छड नहीं खुला छड़िया तो फिर पकड़िया ही नहीं जाना। परम सियानप ए बड़ी सियानप की गल है जिन्ना चिर मन ना रोक लवे उन्ना चिर दा पिछा ना छड़ी जदों मन रुक गया फिर सारे लाभ प्राप्त हो जाएंगे तेनों। नंगे अखर द्वारा कहंदे निगरा है घर दे माण तो देह तो रहत हो करके इंद्रियां रोक स्नेह प्रेम महाराज दा करके महाराज दे प्रेम करके इंद्रियां रुक जाणगियां ते निर्वारो संदेश संसप पर जे आदक सारे नू मेट दे नाही देख ना भाजी ना रुकदा वेख के भगौना ना हुई दूसरे दिन एदू ज्यादा जोर लाना वो फिर भी रुकना नहीं तो जिन्ना चिर रोक ना लवे उन्ना चिर इन हटना नहीं मगरों। परम सियानप ए वड्डी तेनू सियानप दी सिख्या दित्ती है विचार दसी है मन नू रोके बिना नहीं कदे भी हटना। चचा रचित चित्र है भारी चचे अखर द्वारा फरमाउंदे रचित चित्र है भारी जिहड़ी रचित रचना रची है ना परमेश्वर ने एक चित्रकारी तस्वीर है बड़ी भारी चित्री होई ताज चित्र है चेतो चित्रकारी ए चित्रकारी तस्वीर वाल ना वेखदा रहा कर बड़िया सोहनिया फिल्मा बड़िया सूरत देखना भूल गवारा ता चित्र है चेतो चित्रकारी जिसने चित्रकारी कीती है उस चितेरे नू चेते कर चित्रकारी विच ना फसिया रहो एवं आपदा मुंह ही ना शीशियां वेखदा रहो। चित्र बचित्र ए है अब चेहरा जेड़ी चित्र तस्वीर है ना संसार दी विचित्र नाना तरह की बनी हुई सुंदर एहो अब जेहरा एहो खापा है ये टोए च पै के सारे जीव मर रहे हैं एहो अब जेहरा उलझेवा है ये चेहरा
ਇਹ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਜੇਵੇਂ ਚ ਪੈ ਕੇ ਜੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹੋ ਹੀ ਝੇੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਖਾਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈਆਂ, ਨਰਕ ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਲਝੇਵਾ ਹੈ। ਤਜ ਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤ ਰਾਸ ਚਿੱਤੇਰਾ, ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਹਰ ਵਕਤ। ਛੱਛਾ ਇਹ ਛਤਰਪਤ ਪਾਸਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦਾ ਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਛਾ ਇਹ ਛਤਰਪਤ ਪਾਸਾ, ਭਾਈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਹੈ। ਛਤਰਪਤ ਸਾਰਿਆਂ ਛਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਛਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਪਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਛੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਛਾੜ ਕੇ ਨਾ ਆਸਾ, ਤੂੰ ਭਾਈ ਛੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਫਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਛੱਕ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਖਿੜ ਕੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹੋ ਉਸ ਵਿੱਚ, ਸੋਗ ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਹਰੇ ਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨੀ ਜਾਂਦਾ, ਹਰੇ ਮਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੇ ਨਾ ਆਸਾ, ਛਾੜ ਕੇ ਨਾ ਆਸਾ, ਛੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਫਲ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਨੀ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਸਾ, ਆਸਾ ਕਿਉਂ ਨੀ ਛੱਡਦਾ, ਆਸਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਛੱਡ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਹਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਮਝਾਵਾ, ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਹੇ ਛਾੜ ਕਤ ਆਪ ਵਧਾਓ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਹ ਮੰਨ ਕੇ, ਸੂਹਮ ਦੇ ਮੰਨ ਕੇ, ਕਾਰਨ ਦੇ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਬਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਜੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜਾ ਜਾਓ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜਾ ਜਾਓ ਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੇ, ਸਰੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਜੇ ਜੇ ਕਰਕੇ, ਜੱਜੇ ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਜੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇਵੇ, ਜੋਬਨ ਜਾਰ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇਵੇ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੌਤਨ ਜੀਵ ਜਾਓ ਜੱਜਾ ਜੌਤਨ ਜੀਵ ਜਿਰਾਵੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਕੋਈ ਚੁਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਤਾਈ, ਤਨ ਕੌਣ ਸੁਖ ਮਨ ਦੇ ਤਾਈ, ਜੀਵਤ ਭਾਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਲ ਦੇਵੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਸ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ, ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜੋਵਨ ਯਾਰ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਜੋਵਨ ਜਵਾਨੀ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਸ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਣ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਲ ਦੇ, ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੁਗਮ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਆਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ ਜਰ ਜਬ ਰਹਿ, ਇਹਦੀ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੜ ਕਬੂਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਦੀ ਮਾਇਆ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਤਰਾਈ ਮਾਇਆ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਰ ਜਬ ਰਹਿ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰ ਸਹਾਰ ਰੱਖੇ, ਤਰਾਏ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਰੱਖੇ, ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹਿ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਹੰਕੰਪਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਜੋਤ ਦਾ ਉਜਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸ ਯਾਰ ਅਸ ਕਰ ਯਾਰ, ਅਸ ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਭੂਤੀ ਹੈ, ਅਲਕਾ ਗੁੱਟਾ ਆਦਿ ਚ ਕਰ ਯਾਰ ਕਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਭੂਤੀ ਹੈ ਸਲਾ ਗੁੱਟਾ ਆਦਿ ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੜ ਸਹਾਰ ਰੱਖੇ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪਾਏ, ਸੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਰਵਜਤਾ ਦੀ ਭੂਤੀ, ਆਪਦੀ ਅਲਕਾਜਤਾ ਦੀ ਭੂਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਰ ਰਹੇ ਸਹਾਰ ਰੱਖੇ, ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡੇ, ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਉਜਾਰੋ ਲਹਿ, ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜੋਤ, ਅਦੈਤ ਰੂਪ ਦੀ ਜੋਤੀ, ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਜਾਰੋ ਲਹਿ, ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭੱਜਾ ਉਰਜ ਸੁਰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਖਰ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਜ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਲਝੀ ਤਾਣੀ ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਤਾਣੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਚ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ,
सुलझन जिवें गलोटियां दे घूर जे कढ़ दिए फिर छेती सुलझदे नहीं हन टेरे नहीं जांदे। इसे प्रकार विषयां दे चलाके उलझन तां इह जाणदा है सुलझन छुटकारा पाउणा जिस प्रकार सुन जाना है देवी गुणा दे सहत हो के चंगा सुधर जाना है नीगे समझाणिया रहे हो झजक ना ही परवाना हर रोज झजक झिड़का ही चंगा ही लै लै के पै रहा हरेक दे नाल ना ही इस करके वाहिगुरु दुर्गा च प्रवान नहीं हो सकता रहो झजक ना ठिठिम्बर रहा है पदार्थां च लग करके इस करके प्रवान नहीं हो सकता झजक झाड़ी रहा है विषयां च लग के इस करके प्रवान नहीं हो सकता झजक इस प्रकार छड़क रहा है इस पासे चलन तो इस करके प्रमाण नीक नहीं हो सकदा। कत चख चख औरन समझावा ये जीव चखा मार मार के व्यर्थ बोल बोल के ओना नु की समझाउनिया दिना है समझाना है झगड़ किए झगड़ो ही पावा तू झगड़ा करेगा तेरे गल च जमण वांदा झगड़ा ही पाई रखना उन्होंने इस प्रकार झगड़ा करना संसार ना झगड़ा ही गल च पैना है।